फ्रेंड, एक ब्लॉगर की ज़िंदगी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। आप लोग के डिमांड पे मैंने उठते ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। जो ही मैंने आंखें खोला है फ्रेंड, अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5:05 हो रहे हैं फ्रेंड, और तभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी कुछ बोलने का मूड नहीं है, क्योंकि उठने के बाद तो कुछ बोलने का मन ही नहीं करता है। अभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, तुरंत मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड करते हैं। बहुत पहले मैंने ऐसे वीडियो बनाए थे, और देखिए मॉर्निंग में, रात में लग रहा है बारिश हुआ है बहुत ही हल्का हल्का, फिर रोड गीली थी पूरी। अभी तो बारिश रुका है, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पंछी देखिए बैठे हैं, तार पे ही बैठ जाते हैं फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छा व्यू था। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं डायरेक्ट बालकनी में ही आती हूँ, क्योंकि मुझे इधर आना बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे दोनों बच्चे यहाँ सोए हुए हैं, और इनको भी उठाऊंगी थोड़ी देर में। बेटू देखिए जग गया है, जगा रहता है लेकिन बेड पे ही सोए रहता है। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश करके, ब्रश वगैरह करके, मतलब फ्रेश होके आ गई हूँ किचन बालकनी में। मेरा मॉर्निंग रूटीन देखना था कि इस टाइम मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या चल रहा है, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। और देखिए सुबह सुबह ना ऐसे लगता है ना थोड़ी देर मैं बैठूँ, लेकिन मतलब टाइम ही नहीं रहता है फ्रेंड। अभी मैं फटाफट से किचन में जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बाबू मेरा जगता है, मेरा गुड बॉय, और ये गदरिया नहीं जगती है। फ्रेंड, सुबह कितना भी जल्दी उठो टाइम वही हो जाता है मेरे लिए। तो अभी क्योंकि बच्चों का स्कूल चालू है, तो आप समझ सकते हैं अगर मैं यहाँ नहाने धोना करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा फ्रेंड। इसलिए मैं सब काम छोड़ के सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ। और आजकल तो कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं, इतनी बारिश आते रहती है। मैं क्या बताऊँ, बारिश की वजह से कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो हो गया, मशीन में भी सुखाती हूँ, उसके बाद डालती हूँ हवा से, धीरे धीरे सूखता रहता है। तो आप लोग को इधर का व्यूज बहुत पसंद आता है फ्रेंड। आप लोग बोलते हो ना कि मतलब आप बहुत अच्छे जगह पर रहती हो, तो ऐसे कोई बात नहीं, हम लोग बहुत तरसते हैं खेत खलिहान देखने के लिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनसेट ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखते होंगे फ्रेंड। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:30, और मैं अभी सुबह उठ करके टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, नहाना धोना करने लगूँगी फ्रेंड, तो बहुत लेट हो जाएगा। और कल तो दिन भर बारिश हुआ, आज थोड़ा ठीक है, और लेकिन बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। कुछ बच्चों के 7 बजे ही स्कूल है, तो 6:30 रेडी हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए, और वो जा भी रहे हैं फिलहाल। और मौसम बहुत ठंडा बना के रखा है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो चलिए अभी टिफ़िन बनाती हूँ, मैं तैयारी करती हूँ, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ करेला और आलू। यहाँ हस्बैंड जी जा रहे थे अभी फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही फूल मिल जाते हैं यहाँ पे। थोड़ा लेट हो जाता है, तो फूल बहुत कम मिलते हैं भगवान के लिए। तो मैंने बोला आप जाइए। स्कूल जाना है। म्याऊ। बोलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे बड़ी बिल्ली, उठ जाना बिल्ली, उठ जाना बिल्ली, उठ जाना बिल्ली, बिल्ली 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 बिल्ली, उठो। तो मैं इसका होमवर्क देख रही थी फ्रेंड, ये 2-3 दिन अब्सेंट था, जिसमें इसको बहुत सारे होमवर्क मिले थे, और ये
पांच पेज तो अभी कल लिख लिया था, बाकी जो बचे हुए थे मैंने मैम से बात कर लिया, मैम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दो तीन दिन बाद मैं करा दूंगी, फ्राइडे के दिन आपको पक्का भिजवाऊंगी। तो मैम ने बोला है कि ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इतने सारे होमवर्क मिले हैं, इस कॉपी को मैं घर ही में रखने वाली हूँ क्योंकि मैम ने बोला घर में रखिएगा। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताओ, बता दो कहाँ जा रहे हो, बता पहले स्कूल कौन से स्कूल में बाबू के, ये क्या है, ये क्या है बताओ पहले, ये क्या है छूता। अरे अरे बहरा, ओ अभी टीवी देखने में बिजी है और घर की हालत ऐसे है, अब मुझे समेटना पड़ेगा सब। देखिए पूरा घर की हालत बैंड है और यहाँ पे बिटिया रानी ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी बैग तैयार करो और नाश्ता करो, चलो बाल झाड़ती हूँ फिर ट्यूशन जाओ, ठीक है। और देखो इधर बच्ची, अब मुझे समेटना पड़ेगा पूरा। और जी हेलो, क्या करने जा रहे हैं, सब्जी पक ही रही है, सब्जी अभी पक ही रही है क्योंकि अभी कच्चा है थोड़ा थोड़ा, और आरव को मैंने दे दिया है। दो तीन दिनों के बाद ये लोग आए हैं कचरा उठाने के लिए। पापा का करो, मैदी नहीं बन रहा है, करेला बना रही हूँ, सब्जी बना है, मैदी का धन जा रहा है। पापा मुझे मैदी थोड़ा, बैग लाओ जी उधर, आरा बैग टांगो इधर आ, सुनो सुनो ये क्या है, बंद कर दो चैन, चैन मैंने बंद नहीं किया है, क्या करे हो, रुको क्या रुको, सुनो ना इधर सुनो, कहाँ जा रहे हो, मुझे स्कूल जाते हैं, स्कूल जा रहे हो, मुझे बाथरूम, 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 बाय बाय, राधे राधे। तारो तो चला गया स्कूल, अभी बिटिया रानी जाएगी ट्यूशन थोड़ी ही देर में, और अब मैं जा रही हूँ घर की क्लीनिंग करने, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं फ्रेंड तो मेरा उसके बाद मेरा ड्यूटी सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, करते करते मुझे 9 बज जाते हैं काम को, और सफाई करते करते, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सफाई करना। तो सफाई का वीडियो मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करूँ, मिलूंगी डायरेक्ट आप लोगों से नहाने धोने के बाद। तो फ्रेंड अभी हो गया है मेरा नहाना धोना कंप्लीट, और जितने वर्क थे मैंने सब कर लिया है, और अभी रेडी हो गई हूँ, और कहीं जाना तो है नहीं क्योंकि बारिश हो रही है बाहर में, और मैंने सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड अभी कुछ वीडियो में शेयर करने लायक है नहीं, तो आप लोग अपने विचार अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और ये पता नहीं क्या हो गया है, मुझे अभी समझ में आया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं जल गया है क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है, और अभी बारिश हो रही है फ्रेंड, समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, कोई बात ही नहीं है। तो देखिए आज का रेनी सीजन, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ओके, धीरे धीरे बारिश स्टार्ट है फ्रेंड, और ये जो नहीं होती है रिमझिम करके बारिश होती है वैसे ही है, और
मौसम ठीक ही है, लेकिन बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है क्योंकि किच किच जैसे लग रहा है, कीचड़ पूरा फैले हुए हैं फ्रेंड। और अभी मुझे लंच बनाना है, बिटिया रानी 12 बजे स्कूल जाती है और बारिश स्टार्ट है फिर भी जाएगी, बच्चा मेरा गया ही है। तो चलिए, सावन का महीना है, देखिए बेलपत्री और समीपत्र के दर्शन कीजिए, इसमें पत्ते बहुत सारे आ गए हैं, हरे हरे छोटे छोटे।